हाय दोस्तों, मैकेनिक जोन पे आपका स्वागत है। आज मैं कुछ प्रॉब्लमेटिक वीडियो लेके आया हूँ, जैसे एयर बैग। एक्चुअली गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसका हॉर्न ने जिसमें एयर बैग इनपुट है गाड़ी में, तो इसका हॉर्न नहीं बज रहा है और एयर बैग का जो वार्निंग लाइट है क्लस्टर मीटर में दिखाता है वो लाइट जल गया है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, पूरा वीडियो देखिए, प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा। एक कॉन्टैक्ट कॉइल रहता है, तो अगर टेक्निकल लोग हो तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कॉन्टैक्ट कॉइल होता कैसे, वह कट गया है और उसका कैसे नया बैठा कि उसका अलाइनमेंट करके कैसे फिट होता है ये मैं वीडियो के थ्रू दिखा दूंगा, और वो क्यों कटता है ये भी हम आप लोग को बता दूंगा। चलिए वीडियो में, अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और वीडियो में कोई भी गलती होगा माफ़ी मांग लेता हूँ। और मैं यूट्यूब में नया हूँ तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और भी नया टेक्निकल वीडियो के लिए। तो कोशिश करूँगा और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो डालने के लिए, प्रॉब्लमेटिक वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम लोग का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद नॉर्मली एयर बैग का लाइट जल रहा है और हॉर्न नहीं बज रहा है, तो इसके कारण है इसका जो कॉन्टैक्ट कॉइल होता है, ये भी एयर बैग में हॉर्न पैड के पास बगल में एक कॉन्टैक्ट कॉइल रहता है, तो उसी वो कट गया है। कट कैसे गया ये भी बता दूंगा। तो नॉर्मली अभी हॉर्न बजा रहा हूँ, हॉर्न नहीं बज रहा है, एयर बैग का वार्निंग लाइट भी जल रहा है। कॉन्टैक्ट कॉइल मैं खोलूँगा, खोलने के पहले मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअली इसका एयर बैग का जो पैड रहता है, जहाँ एयर बैग बैलून रहता है, वो पार्ट खोलना पड़ेगा, स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा। इसलिए पहले ये देख लीजिए, तीनों साइड में तीन तो लॉक रहता है हॉर्न पैड खोलने के लिए। तो हॉर्न पैड खोलने के लिए यहाँ से तीन लॉक पे कुछ भी लीवर से उसको पेस करने के बाद वो चार तीनों साइड से, तो नॉर्मली ये हॉर्न पैड खुल जाएगा। तो हॉर्न पैड मैं खोल लिया हूँ, इसका अंदर है एयर बैग का जो बैलून रहता है, बैलून रहता है, इसको लॉक खोलना पड़ता है। पहले ये वो वाला लॉक को उठाने के बाद इसको नीचे से खींचना पड़ता है, तो नीचे वाला पोजीशन। तो खोल लिया हूँ, खोलने के बाद इसका जो कवर रहता है, कवर को खोल देना पड़ेगा। तो मैं खोल के पूरा खोलूँगा नहीं, इसका जिस गैप कर लूँगा कॉन्टैक्ट कॉइल खोलने के, ये वाला चीज़ है कॉन्टैक्ट कॉइल ब्लैक वाला जो दिखा रहा है, इसको मैं खोल लूँगा। एक्चुअली इसका अंदर एक वायर रहता है, वायर कट जाता है। तो ये काटा कैसे मैं बता देता हूँ, पहले देख लीजिए कॉन्टैक्ट कॉइल होता कैसा है। ये है कॉन्टैक्ट कॉइल, अब देख लीजिए। तो मैं नया कॉन्टैक्ट कॉइल अभी ले लूँगा फिट करने के लिए, तो मैं नया कॉन्टैक्ट कॉइल ले लिया हूँ फिट करने के लिए। देख लीजिए फिटिंग, एक्चुअली ये फिटिंग कैसे होता है, नॉर्मली तीनों साइड में एक क्लिप रहता है, तो इसको मेजरमेंट करके लगाना पड़े। मेजरमेंट कैसे होगा, देखिए मैं एंड में कर दिया हूँ, एंड में के करने के बाद एक मार्क रहेगा यहीं पर, देख लीजिए दिखाई दे रहा है यहीं पे एक मार्क है। तो मार्क में आपको कितना रहता है, इसको आढ़ाई पैक घुमाना पड़ता है। आढ़ाई पैक कैसा होगा, एंड में जाने के बाद आपको एक पैक आने में जब ये मेजरमेंट हो जाएगा वो आधा है, फिर इसको एक पैक घुमाइएगा तो एक हुआ, और एक पग घुमाएगा दो होगा, दो और हाफ आधा था, तो अढ़ाई पग हो गया। मेजरमेंट देखिए एकदम एरो बाय एरो है, देखिए एरो बाय एरो पूरा एकदम मेजरमेंट है, एक पूरा अढ़ाई पग घुमा के मेजरमेंट में आएगा। अगर ये अलाइनमेंट ठीक से नहीं करने का बात अब लगा दीजिएगा ऐसे ही, तो ये क्या होगा, अलाइनमेंट करके नहीं लगाने से जब वो फिर से स्टीयरिंग व्हील लगा के हॉर्न बजेगा, राइट या लेफ्ट स्टीयरिंग करिएगा, कम बेसी अगर हो जाएगा तो ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट कॉइल फिट कट जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, नहीं दो कपलर रहता है, मैं कपलर फिट कर ले रहा हूँ। प्रॉब्लमेटिक वीडियो के लिए तो मैं कपलर फिट कर ले रहा हूँ, मैं तो कपलर फिट कर ले रहा हूँ। अभी मैं कवर, जितना कवर पवर रहता है उसको फिट कर लूँगा। करते करते मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या हुआ था। एक्चुअली इसका सस्पेंशन का काम हुआ था, स्टीयरिंग व्हील खुला हुआ था, तो स्टीयरिंग व्हील खोलने के कारण क्या हुआ था, कोई इसको उल्टा साइड घुमा दिया था स्टीयरिंग नॉर्मली, तो घुमाने के कारण अलाइनमेंट आउट हो गया, तो घुमा दिया वो कॉइल कट गया। तो आपको जगह
कभी कभार स्टीयरिंग खोलना है तो वो सस्पेंशन काम के कारण, तो आपको क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट कॉइल पूरा एक ही जगह में स्टीयरिंग को आपको लॉक कर देना होगा। तो देखिए मैं स्टीयरिंग पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, स्टीयरिंग बैठा हूँ अलाइनमेंट चेक करके, तो अभी नट लगा लूँगा, लगा के इसको टाइट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलिए स्टीयरिंग हो गया टाइट, अभी मैं हॉर्न पैड को फिट कर लूँगा। जैसे हॉर्न पैड ये है, एक्चुअली इसमें एयरबैग का जो बेलून होता है, आप लोग को समझ आता होगा एयरबैग कैसे होता है, कभी एक्सीडेंट होता है जो एयरबैग का बेलून निकलता है, तो इसका अंदर रहता है, इसको मैं लगा दूंगा। तो ये नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, तो इसमें एक वायर रहता है, तो वायर को बैठाने के बाद ये येलो वाला पुश कर देने से लॉक हो जाता है। और एक ग्राउंड है, ये एक्चुअली हॉर्न का है, हॉर्न का ग्राउंड के लिए है, तो ये लगा दिया हूँ। तो ये तीनों लॉक है, तीनों लॉक देख लीजिए, ये तीनों हॉर्न पैड का लाइट है। तो इसको बैट ऐसा कुछ नट बोल्ट नहीं रहता है, ये जस्ट स्प्रिंग विथ, देखिए ये जो उंगली दिखा रहे हो वो स्प्रिंग प्रेशर में ये लॉक हो जाता है। तो मैं तीनों साइड में दिखा दूंगा, ये तीनों साइड में है, तो इसको ऐसे ही वहाँ बैठा के दोनों हाथ से प्रेशर देने से ये लॉक हो जाएगा। तो मैं इसको बैठा देता हूँ, बैठाने के बाद मैं इसका जो ग्राउंड वाला वायर खोले थे तो मैं वो फिट कर लूँगा। पहले देख लीजिए कैसे फिट हो गया है, अभी स्टीयरिंग की तरफ सब कुछ कंप्लीट हो गया है, चारों साइड से देख लीजिए। तो अभी मैं ग्राउंड वाला जो वायर खोला था उसको अच्छे से लगा के उसको टाइट कर लूँगा। तो टाइट तो हो गया है, तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके आप लोग को दिखाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं। तो गाड़ी मैं कर लिया हूँ स्टार्ट, तो हॉर्न बजा रहा हूँ, बज रहा है नॉर्मली। तो मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड घुमा के चेक कर लूँगा, क्योंकि अगर ठीक ठाक नहीं बैठेगा तो कॉन्टैक्ट कॉइल कट जा सकता है। तो अभी राइट लेफ्ट ठीक ठाक है, तो एयरबैग वाला जो वार्निंग लाइट है वो भी बंद हो गया, एक्चुअली कॉन्टैक्ट कॉइल के कारण वो लाइट जल रहा था, तो अभी नॉर्मल है। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।